जानते हैं ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी पिछड़ों की पर अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पिछड़ों वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है, जो कमीशन बना है, उस कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का काम, संवैधानिक मान्यता देने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। अनुसूचित वर्ग के लिए भी ये झूठ बोलकर लोगों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग यदि राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। हां, इतनी बात पक्की है, धर्म के नाम पर आरक्षण दोगे हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं होगा। मैंने भाई, मुस्लिम समाज में भी जो गरीब हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था पहले से चली आ रही। आप कहते हैं नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, जबकि पूरी तरह से असंवैधानिक है भारत का संविधान, इस बात की इजाजत नहीं देता। वोट के चक्कर में, इसीलिए मैं कहता हूं यह केवल सरकार बनाने की चिंता करते हैं, देश बनाने की लोग चिंता नहीं करते। अजीबो गरीब। और देखिए, एक दिन तो राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि भाई तो हमारे प्रधान, हमारे यहां तो परिवार में प्रधानमंत्री बहुत रहे, नाना रहे, दादी दादा जो भी रहे हो, पिताजी भी रहे, सब लोग रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। कहे मैं छोटा बच्चा था तो मैं सबके घर जाता, मैंने सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा। अब देखिए, 52 वर्ष तक अच्छा किया आरपीएन सिंह जी, और सोच नहीं नहीं कोई भी ज्ञानी पुरुष होगा, समझदार पुरुष होगा तो ऐसी कांग्रेस को ठोकर मार दे। क्या नहीं किया है लोगों ने, जानते कहते हैं कि वह जो सिस्टम था वह सिस्टम पिछड़ा विरोधी था, गरीबों का विरोधी था, माने अपने माँ दादा दादी और नाना नानी और अपने पिताजी की जो सरकार थी उसके बारे में कह रहे हैं। उस समय जो सिस्टम था वो सब पिछड़ा विरोधी था, गरीब विरोधी था, यह सब सारी बातें खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं हमारी सरकार दलित विरोधी थी, गरीबों की विरोधी थी और जो है पिछड़े वर्ग की विरोधी। बता ही ऐसा नेता आपने देखा है? अजीबो गरीब नेता। तो बहनों भाइयों, यही कहने आप लोगों के बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई भी इस देश का कल्याण नहीं कर सकता, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं, और इतनी बात पक्की समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी का की साइकिल का चेन, ध्यान से सुनिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन 2014 में उतर गया, 2017 में नहीं चढ़ा, 2019 में फिर वह चेन नहीं चढ़ा, 2022 में फिर नहीं चढ़ा, 2024 में भी नहीं चढ़ेगा। बहनों भाइयों, एक बार चेन उतर गई है तो चढ़ेगा नहीं। अब बहुजन समाज पार्टी बेचारी की बात तो छोड़, इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप जीता दीजिए मेरे बहनों भाइयों, लेकिन पहले से ज्यादा अधिक मतों से जिताइए। यह मैं अपील हम कह लिए ना, जैसे कांग्रेस डायनासोर की तरह लुप्त हो गया, बोलिए तो हो गई है, खत्म है। देखा था कौन के आंखन के सामने कांग्रेस समाप्त हो गई, समाजवादी पार्टी भी अब समाप्त पार्टी हो गई है, अब बहुजन समाज पार्टी बेचारे की मदद भी कही है। भारतीय जनता पार्टी बचे भारी मतों से जिताइए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार मेरा आना नहीं हुआ,
मैं बायस कर बोल रहा हूं या मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, क्योंकि आज के 15 दिन पहले पैर में चोट लग जाने के कारण आंध्र प्रदेश की सभा को संबोधित करने के बाद नीचे उतर रहा था, पैर में चोट लग गई। डॉक्टरों ने कहा कि आपको एक सप्ताह आराम करना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं चुनाव का दौर चल रहा है। मैंने फैसला किया जब तक 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी नेतृत्व की एनडीए कामयाबी हासिल नहीं कर लेगी तब तक मैं चैन की नींद लेगा। जहां तक विजय दुबे जी का प्रश्न है, इनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। इतना विजय दुबे के बारे में मैं बता सकता हूं, भारत की संसद में बराबर शर है। और ब्रह्मोस मिसाइल केवल भारत की रक्षा के लिए नहीं बना रहे हैं, विश्व के हमारे जो मित्र देश हैं उनको हम मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी देने का हम काम कर रहे हैं। यहां से मारिए 800 किलोमीटर दूर तक जो भी हमारा दुश्मन होगा उसको मार गिरा। यह है भारत की तरफ, हर मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हमारे विरोधी दल के लोग सपा कांग्रेस, देखिए अच्छे बता दें, सपा के बारे में समझ लीजिए, आप ही कुछ दिनों के बाद कहेंगे यह सपा सपा अब यह समाप्त पार्टी होगी, समाप्त पार्टी। आपने देखा कि सपा की हालत दिनों दिन कमजोर होती जा रही, दिनों दिन पतली होती जा रही है इसकी हालत। और कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि इतनी पतली हो गई है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। 10 साल के बाद अपने घर के बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस जानते हो बेटा, तो पूछेगा कौन कांग्रेस। जैसे डायनासोर का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने, डायनासोर का नाम सुना है, डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की कांग्रेस पार्टी 5-10 वर्षों में ही इस धरती से लुप्त हो जाएगी। यह हालत है। मैं पहले देखता था कि हम लोग भाषण देने के लिए भारत के लोग खड़े होते थे तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहन भाइयों, यह भारत की हैसियत है, भारत का कदर है। जो काम पिछली कोई सरकार नहीं कर रही उसको मोदी जी ने कर दिखाया। जानते हैं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान के एक सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर यह कहा, है पाकिस्तानियों सुनो, भारत तो विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने को बर्बादियों से बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। बहनों भाइयों, यह हमारा पड़ोसी है, लेकिन हमारे यहां के कांग्रेस और सपा के लोगों को बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तान जो हमारा धुर दुश्मन है वो भारत के बारे में यह बोल रहा है, वहां का सांसद, और यहां के कांग्रेस और सपा के लोगों के समझ में नहीं आ रहा, वह मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। धन दौलत के मामले में, धन दौलत के मामले में बहनों भाइयों, हमारा यह भारत 2014 के पहले, मोदी जी के आने के पहले दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में हमारा भारत 11वें स्थान था। और आपको जानकर खुशी होगी 8 वर्षों के अंदर मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया जो कि आजाद भारत में कोई मां का लाल नहीं कर पाया। धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया मेरे बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं कि गर्मी बहुत है और बराबर आप गमछे से हवा जल रहे हैं, गर्मी मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मेरा यह मानना है, हमारी पार्टी का यह मानना है, हमारे प्रधानमंत्री का मानना है, बार बार चुनाव होना यह ठीक नहीं है।
ऐसा होना चाहिए कि सारे देश में एक साथ ही लोकसभा के भी चुनाव हो जाए और एक ही सभी के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार आप जो सरकार बना रहे हैं 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था भारत में करने। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मुझे ज्यादा बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ। रामकोला के रहने वाले लोग यदि विदेशों में होंगे, आप उनसे पूछेगा भारत के लोगों के प्रति आज के 10 साल पहले किस प्रकार का भाव था, और आज विदेशों में रहने वाले और इनकी फर्म्स भी होती हैं, उनको फाइनेंशियल फर्म्स बोलते हैं, उन लोगों का कहना है दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी की है तो भारत की है, और भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और आज के 3 साल के बाद देख लेना बहनों भाइयों, धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के सारे देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाए, सबसे धनवान देश आज माना जाता है, अमेरिका माना जाता है, उसके बाद दूसरा देश माना जाता है तो चीन माना जाता है। आप 2027 नोट कर लीजिए, राजनाथ सिंह कभी झूठ बोलकर नहीं जाते, 2027 नोट कर लीजिए, धन दौलत के मामले में हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद 3रा देश बन जाएगा। और यह भी नोट कर लीजिए, मैं गणित का विद्यार्थी रहा, अच्छी तरह मैं चीजों को समझता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन दुनिया में सबसे धनवान देश यदि ऐसे ही हमारी सरकार चलती रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2070 आते आते दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई होगा तो हमारा और आपका देश है भारत। यह है भारत की हैसियत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया। पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी आकर बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें करके चले जाते थे, सकुशल वापस हो जाते थे। लेकिन आप सुन रहे हैं, अब देश में कश्मीर को छोड़ दिया जाए, महीने में 1-2 घटनाएं आतंकवाद की बामुश्किल होती हैं, नहीं तो इस हिंदुस्तान के किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात नहीं होती। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी समझ गया है भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, भारत के अंदर वह ताकत है कि सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है, यह भारत के अंदर। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करती है, जनता की आंखों में आंख ढल कर राजनीति करती है। मैं तो अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो अपने अखबारों में लिख देना, हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर दूंगा, क्योंकि जनता को गुमराह करके जनता को धोखा देकर मैं कभी भी समर्थन हासिल नहीं करूंगा, न किया है न करूंगा। अकेली हम ऐसी पार्टी हैं जो कहते हैं वह करते हैं। देखिए, हमारे यहां कोई व्यक्ति कार्यकर्ता हो सकता है जो कहे वो ना हो, लेकिन पार्टी सोच समझ कर जो फैसला करेगी, जो बोलेगी वह होकर रहेगा। अब ये कह रहे थे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से भी ज्यादा बड़ा दर्जा मिला था। हम लोग कई वर्षों से कहते चले आ रहे थे संसद के दोनों सदनों में जिस दिन हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। आपने देखा कि समाप्त कहा था ना रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। मैं जानता हूं 1984 की बात मुझे याद है, आंदोलन कोई चल रहा था, हम लोग नारे लगा रहे थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ कांग्रेस के लोग दूर खड़े थे, वह कहने लगे हाँ हाँ
रामलला आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहन भाइयों, 22 जनवरी का दिन आ गया जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान रामलला की प्रमाण प्रतिष्ठा कर दी और अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रामायण पढ़ते होंगे आप, देख लीजिए बहनों भाइयों, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मैं दावे के साथ। अब हम लोग तीन तलाक, तलाक जानते हैं? तलाक जाने लग गई हो तो लोग तलाक जाने लग सबके मालूम है ना। ऐसा था कि पहले हमारी मुस्लिम जो माताएं बहनें होती थी उनसे कोई शादी करता था, शादी करने के बाद 10 दिन के बाद ही यदि नहीं पटी तो तलाक 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 तीन बार बोलकर उसकी छुट्टी कर देते। मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सिख कोई भी जो भी भारत का नागरिक, हम सभी को भाई मानते। लेकिन चाहे किसी मजहब धर्म की कोई माता बहन बेटी होगी, उसके ऊपर कोई जुल्म होगा, सरकार बने या भाड़ में जाए, भारतीय जनता पार्टी उस माता बहन के साथ खड़ी रहेगी। लाइन हमारे यहां कहा है ऋषियों और मनीषियों ने, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। जहां नारियों की पूजा होती है वही देवता रमण करते हैं। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, तीन तलाक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए और योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। देखिए इतनी गर्मी है, अब हमको इधर से पसीना बह रहा है, इधर से भी बह रहा है। हमारे आरकेएन सिंह बैठे हैं, हमारे राजेश पांडे बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी बिना बोले हुए पसीना, इतनी गर्मी। भाई गर्मी कम होना अधिक होना यह तो परमात्मा के हाथ, लेकिन इतना मैं जानता हूं बदमाशों को गर्मी के दिन में भी शिमला की ठंड का एहसास कराने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो योगी जी ने। लोग ये कहेंगे कि साहब इतनी शक्ति बरतने की क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बहनों भाइयों मेरी बात सुन लेना, यदि किसी राज्य का आप विकास करना चाहते हो तो राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं?